हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। बिना एडमिट कार्ड उत्तर पुस्तिका नहीं। हाँ दोस्तों, अगर आप 12वीं का जो भी पेपर आप लोग बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं तो आप लोगों के पास एडमिट कार्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड का आप लोगों को जो प्रश्न पत्र है और आंसर शीट है दोनों नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या न्यूज़ आर्टिकल छपा हुआ है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आप लोगों को कम्प्लीट बता दे रहा हूँ, ताकि आप 1 तारीख से जब भी अपना उत्तर पुस्तिका या और क्वेश्चन पेपर लेने जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपके सामने रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए इसमें न्यूज़ आर्टिकल में क्या छपा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिना एडमिट कार्ड उत्तर पुस्तिका नहीं। तो जो शिक्षा मंडल है मंडल ने निर्देश कर दिया है कि जो भी विद्यार्थी प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका लेने आएंगे उनके पास एडमिट कार्ड रहना जरूरी है, ठीक है, तभी उनको जो प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका का लिफाफा है वो दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। अब इसका फायदा जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो उठाना चालू कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने अगर जिन बच्चों का फीस जमा नहीं है उन बच्चों को अब एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं, जिसके वजह से उन बच्चों को अब उनका प्रश्न पत्र और आंसर शीट भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि फीस के लिए एडमिट कार्ड रोका जा रहा है, निजी स्कूल 12वीं के बच्चों को पूरी फीस जमा करा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यही निर्देश दिया जा रहा है कि अगर आप लोगों का फीस जमा नहीं है तो आप लोगों को एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, उस स्थिति में आप लोग वंचित रह सकते हैं, क्योंकि निजी स्कूल वाले इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों से अगर आप लोगों का फीस जमा नहीं है तो उसके लिए भी यहाँ पे जो शिक्षा अधिकारी हैं AN बंजारा सर, उन्होंने बोला है कि एडमिट कार्ड नहीं रोक सकते, अगर किसी भी स्थिति में एडमिट कार्ड नहीं रोक सकते, फीस जमा होने के कारण किसी भी बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं रोक सकते और न ही बच्चा से वंचित किया जा सकेगा, ऐसा करने पर कार्रवाई की जा सकेगी, ठीक है। और पालक लोग भी शिकायत करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने पेपर पर ध्यान दीजिए। अगर आप लोगों का फीस नहीं जमा है तो अगर जमा कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि बिना आप लोगों के एडमिट कार्ड का आप लोगों को जो लिफाफा है प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका का वो नहीं दिया जाएगा। अगर वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प मिला होगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।